अजमेर के जेलन हॉस्पिटल में आज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने खेल कूद और सांस्कृतिक जो प्रतियोगिता का आयोजन किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि डॉक्टर्स विशेष रूप से रेजिडेंट्स सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं, क्यों उनको अपने जॉब के साथ न्याय करते समय 12-12 घंटे भी कई बार काम करना पड़ता है। वो ऐसे तनाव युक्त जीवन में कुछ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम रिलैक्सेशन की दृष्टि से उनका स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है, क्यों स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क तीनों चीज़ें जो आवश्यक हैं उसके आधार पे यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताएँ भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, और प्रत्येक एक्टिविटी से हमेशा एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी नहीं कर रहे, उस एक्टिविटी से जो संस्कार मिलने वाला है वो अनुशासन का भी है, स्पोर्ट्समैनशिप भी है, ताकि हम प्रत्येक जीवन के विपदा को एक खेल भावना से आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सफलता मिलेंगी, और सफलता के लिए आवश्यक है कि हम प्रतियोगिता में हिस्सा लें, या कई लोग हिस्सा ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कई प्रकार के खेल हैं, छात्र कार्यक्रम भी हैं, और कई जगह जो मेडिकल प्रोफेशन से निकल करके जो आगे IAS भी बने हैं उनको मैं देखता हूँ कि जो वास्तव में खेल भावना से खेलते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, इस प्रकार का भाव बढ़े, हम सब लोग मिलकर के एक परिवार का भाव भी इसमें जागृत होता है, टीम स्पिरिट भी आती है, उसके लिए हम आगे बढ़ें। मैं सोचता आज प्रकृति ने जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा की हैं उस ढंग से इनको इंडोर गेम्स का अभी प्रारंभ किया है, मैं सोचता हूँ शायद 1-2 दिन में स्थितियाँ और इम्प्रूव होंगी, तो 7 दिवसीय कार्यक्रम में आउटडोर भी गेम्स होंगे, इंडोर भी गेम्स होंगे, और कल्चरल एक्टिविटी में जब आदमी संगीत सुनता है या गाता है तो उसका पूरा फ्रेश माइनस होगी, फ्रेशनेस होगी तो हमारे पेशेंट्स की अच्छी तरह से देखभाल भी होगी। मुझे बताया गया कि शायद जेल मेडिकल कॉलेज में ही इसका प्रारंभ हुआ है, तो इसके लिए इनका बहुत जो पहल है उसको मैं साधुवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि यह हॉस्पिटल धीरे धीरे राजस्थान के अन्य मेडिकल कॉलेजों में सर्वोपरि होकर के आगे बढ़े, इसलिए नई नई यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी आया है, कुछ और भी यहाँ पे विकास होने वाले हैं, हम सब लोग होकर के एक ही ध्येय कि हमारे संभाग का प्रत्येक व्यक्ति निरोगी रहे, हम सेवा के भाव से काम करें, और समय समय पे आने वाली कठिनाइयों को या उपस्थित परिस्थितियों को हम संवाद के द्वारा उसका समाधान करें, ताकि किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.